हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीएचएसएल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। जितने भी आज तक शिफ्ट हो चुके हैं 2018 के, उसमें से मैंने सभी क्वेश्चंस को रिकलेक्ट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके कुछ क्वेश्चंस को लिया है आप सभी के सामने, उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन दिस क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको सीधे क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि लेंथ जो भी था उसके बाद 10% बढ़ाया गया दोस्तों। अब ब्रेड्थ भी जितना था 20%, इसको भी बढ़ाया गया दोस्तों। अब सवाल ये है कि लेंथ तो बढ़ गया, ब्रेड्थ भी बढ़ गया, तो एरिया में क्या परसेंटेज चेंज होगा? ठीक है फ्रेंड्स, हमें जैसे पता है कि एरिया इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर आते हैं एल इंटू बी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ पे लगा देना है। सक्सेसिव फार्मूला क्या कहता है? लेंथ कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है तो प्लस 10। अब ब्रेड्थ कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है तो प्लस 20। प्लस करोगे अब 10 बढ़ा है इंटू इसका 20 बढ़ा है 20 बाय 100, मतलब प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस एम इंटू एन बाय 100। ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। दैट मीन्स अगर एम बढ़ा है तो आप प्लस एम लगाओगे, अगर एन घटा होता तो माइनस एन करते, उसी के साथ ही सिंबल चेंज होता। तो यहाँ पे सब बढ़े हुए हैं तो प्लस 10 प्लस 20 ये सब प्लस में ही आएगा, क्योंकि प्लस 10 इंटू प्लस 20 होता है ये दोस्तों। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 25 जैसे जाएगा, 52 जैसे जाएगा। अब 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32, दैट मीन्स 32 यहाँ पे प्लस में आ रहा है आंसर। दैट मीन्स 32% इज द चेंज इन एरिया एंड दैट चेंज इज ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंबल या नेचर को देख के आप बता सकते हो कि जो एरिया चेंज हुआ है वो एरिया बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आंसर -32 आया होता तो द चेंज इज नेगेटिव। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू यू एज 8 सेंटीमीटर, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? थोड़ा घटिया डायग्राम है, थोड़ा माफ करना। ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि हर एक साइड सेम होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब ये अगर मान लो साइड ए है तो ये भी साइड ए है तो ये भी साइड ए है। तो यहाँ पे बोला है 8 सेंटीमीटर है साइड, तो ए इज इक्वल टू नथिंग बट 8, ए इज इक्वल टू नथिंग बट 8, ए इज इक्वल टू नथिंग बट 8। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो यूजुअली होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये एक स्पेशल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डाल दोगे। वहाँ पे कुछ रिसर्च नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है उसका आंसर। ए का वैल्यू है 8, स्क्वायर है तो 8 × 8, 4 × 1 = 4, 2 जा द आंसर इज 2 × 8 = 16, 16√3 cm², 16√3 cm², बात खत्म। नेक्स्ट जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्किल एंड सर्कल अराउंड ए स्क्वायर। मतलब यही है कि अगर ये स्क्वायर है मान लो दोस्तों, तो इसके चारों तरफ जो भी एक सर्कल बनेगा, माफ़ करिएगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा घटिया होता है मेरा। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का मीनिंग है कि ये बना एक इन सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स, ये बना एक इन सर्कल और इस स्क्वायर को घेरते हुए और एक आउट सर्कल है। दिस इज द आउट सर्कल, इसको मैं लिख देता हूँ आउट सर्कल, और ये जो अंदर का है इसको लिख देता हूँ इन सर्कल। अब दोनों डायग्राम को अलग अलग करके बनाता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। पहले तो स्क्वायर का इन सर्कल बना देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये इन सर्कल ऐसा बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा माफ़ करना यार, डायग्राम घटिया हो जाता है। अब ये अगर मान लो ये साइड अगर ए है, इफ़ दिस इज ए स्क्वायर एंड इज ऑफ साइड ए, सेंटीमीटर और यूनिट कुछ भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। अब ये पूछा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल, ये इन सर्कल का एरिया निकालना है। आपको तो पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। यहाँ पे रेडियस क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे अगर आप सीधे यहाँ पे ऐसे खींचते तो ये भी क्या बनता? ए बनता।
अब ये इसका आधा क्या होगा दोस्तों, तो ये छोटा वाला क्या होगा, आधा क्या होगा, ए बाई टू। तो एरिया ऑफ इन सर्कल का निकल गया पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी रेडियस, इसका रेडियस क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से टोटल खींचते तो ए होता, अब आपने यहाँ से यहाँ खींचा तो ये कितना हुआ, ए बाई टू। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ए स्क्वायर मतलब ए बाई टू इंटू ए बाई टू। ठीक है, इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, कटेगा आगे जाके कटेगा। अब इसको देखो फिर, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ दैट सर्कल अराउंड स्क्वायर, मतलब ये अगर स्क्वायर है तो इसके चारों तरफ और एक सर्कल ऐसे घुमा हुआ है दोस्तों। तो खुद सोचो कि जब एक स्क्वायर रहता है, ये ए रहता है, ये ए रहता है, तो डायगोनल कितना होता है, रूट टू ए। अगर पता भी नहीं है तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाता है, टू ए स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट टू ए, तो रूट टू इंटू ए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये अगर ए है तो ये भी ए है, अब ये कितना बनेगा, रूट टू ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर खींचोगे, यहाँ से यहाँ खींचोगे तो कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा, रूट टू ए। लेकिन आपको आधा निकालना है तब जाके आपको रेडियस मिलेगा ना, तो ये आधा कितना होगा, रूट टू ए बाई टू, बात खत्म। तो अब क्या मिला, याद रखो इस चीज़ को, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जगह मिलेगा हमें, उसके बाद हम और कचरा बना सकेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पूछा है रेशियो, किसके बारे में रेशियो पूछा है, इन सर्कल का एरिया, इन सर्कल का एरिया कितना है दोस्तों, यहाँ पे पाए इंटू ए बाई टू इंटू पाए, सॉरी इंटू ए बाई टू, बाय रेशियो पूछा था, मतलब अनुपात पूछा, तो हमने कर लिया। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका रेडियस हमें मिल गया रूट टू ए बाई टू, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पाए इंटू आर स्क्वायर, इसका भी तो आर स्क्वायर होता है, इसका आर कितना है, रूट टू ए बाई टू, तो रूट टू ए बाई टू इंटू रूट टू ए बाई टू। बात समझ में आई, ये टोटल कितना होता दोस्तों, ये टोटल होता है रूट टू ए, अब इसका आधा क्या होगा, रूट टू ए बाई टू। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका अनुपात जितना भी आपको आंसर निकालना है उसका आंसर आपके सामने मौजूद हो जाएगा। देखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मैं बार बार वही बता रहा था, यहाँ पे कैलकुलेट करके मत बैठना कि 22/7 इंटू ए, यार आगे जाके कटेगा, क्यों फिर इतना टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सिलसिला आगे बढ़ेगी, ए इंटू ए, ए स्क्वायर बाय टू इंटू टू, फोर। अब देखो, रूट टू इंटू रूट टू, टू, ए इंटू ए, ए स्क्वायर बाय टू इंटू टू, फोर। अब देखो, ए स्क्वायर बाय फोर, ये बाय अगर इंटू हो जाती है तो ये उलट जाती है, 4/2 ए स्क्वायर, फोर फोर कैंसिल, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 1/2, बात खत्म, 1:2 आपका आंसर निकला, आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलो फिर और आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। ये फिर एक और एक आसान सा सवाल है, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्राइंगल के तीन प्रकार होते हैं बेस्ड ऑन द साइड्स। एक तो होता है स्केलेन ट्राइंगल, जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं होता, ए बी सी। दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल, अगर एक साइड है तो दूसरा साइड ए होगा, तीसरा साइड बी होगा, मतलब सिर्फ दो साइड सेम होंगे, तीसरा साइड अलग होगा। और तीसरा आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज हर एक साइड समान होगा। तो यहाँ से ये देखा जाता है कि ये स्केलेन ट्राइंगल का जो भी एरिया निकलेगा, ये आइसोसेल्स का जो भी निकलेगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो भी निकलेगा, सबसे बड़ा एरिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही निकलता है। सो यू रिमेम्बर दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को लेके करते हैं। सो मैक्सिमम एरिया कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, अभी बताया मैंने, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही मिलेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है, 24। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है, ये ए तो ये ए तो ये भी ए। अब पेरीमीटर क्या क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ए प्लस ए प्लस ए, मतलब हर एक कोने को आप ऐड करते जाओ, ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 3A। और ये पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, दैट मीन्स 3A इज इक्वल टू 24, ए इज इक्वल टू 8। बात समझ में आई, अब ए इज इक्वल टू 8 निकल गया, तो मैक्सिमम एरिया पूछा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8। बात समझ में आ रही है, अभी अभी मैंने करवाया था, सेम ही नंबर था, हलवा नंबर था, तो आंसर फिर से निकल गया है 6√3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, पी एंड क्यू, ये अच्छा सवाल है, इसको टाइम नहीं लगाना है, वहाँ पे देखते ही क्वेश्चन को आंसर करना है। पी और क्यू मिलके एक काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, आर और क्यू मिलके एक काम को 16 डेज में खत्म करते हैं, आर और पी मिलके 8 दिन में खत्म करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, अगर पी क्यू आर एक ही दिन में खत्म करेंगे इसको। इसका मीनिंग यही है दोस्तों कि पी और क्यू मिलके 8 दिन में काम खत्म करते हैं, आर और क्यू मिलके 16 दिन में खत्म करते हैं, आर और पी मिलके 8 दिन में खत्म करते हैं। अब सवाल ये है कि पी प्लस क्यू प्लस आर अगर मिल जाएंगे तो वो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक
ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका मेथड एक ही होता है दोस्तों, कि इसका आप एलसीएम निकालो, 8 16 और 8, 16 आएगा आंसर। दैट मीन्स टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 16। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे? 16 डिवाइड बाई 8, 2। अब 16 डिवाइड बाई 16, 1। 16 डिवाइड बाई 8, 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मिल गया, सबका एफिशिएंसीज मिल गया है। दैट मीन्स पी प्लस क्यू का मिल के एफिशिएंसी क्या होगा? 2। आर प्लस क्यू का मिल के एफिशिएंसी क्या होगा? 1। तो अगर हम सबको ऐड कर दें, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, दैट मीन्स पी प्लस पी 2p, आर प्लस आर 2r, प्लस क्यू प्लस क्यू 2q। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले जाते हैं, सीधे करते हैं ना इसको, दैट मीन्स मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं बस यहाँ पे सबको जोड़ना चाहता हूँ। इसको सब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड विथ पी प्लस क्यू प्लस आर। अब इसको नहीं जोड़ना है, ये कोई काम का नहीं है अभी। अब जब ये दिन जोड़ा नहीं जाता, एफिशिएंसी जोड़ा जाता है, 2 प्लस 1 प्लस 1, एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। दैट मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 पी प्लस क्यू प्लस आर 5 था, तो ये 2 यहाँ पे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा? 5/2। दैट मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना आ गया दोस्तों? 5/2। तो अब देखो कैसे निकलता है, देखो आंसर आप कैसे करोगे। देखो इसको अब यहाँ पे जैसे हो गया, वो पूछा है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। डेज तो आपको पता होगा, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टाइम। तो डेज इज इक्वल टू, अब टोटल वर्क हमने निकाला था याद करो 16, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना था? 16 बाय, सॉरी इसको माफ करना, थोड़ा सा ये टाइम नहीं है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। डेज इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो हमने टोटल वर्क कितना निकाला था? एलसीएम निकाला था ना, 8 16 और 8, ऐसे एलसीएम निकाला था, 16 निकला था, तो टोटल वर्क 16। एफिशिएंसी क्या होगा फिर फ्रेंड्स? सबका एफिशिएंसी देखो मिला के कितना हो रहा है? 5/2, 5/2। इसको फिर से इरेज करो यार, इस जगह ये नहीं देखते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होगा? 16, ये बाय है तो ये इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2/5, ठीक है। 16 × 2 इज 32, 32/5, 32/5 क्या होता है? 6.4। तो ये 3 मिल के 6.4 दिन में ख़त्म करेंगे इसको, तो इसको हम भी ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इफ द मंथली अर्निंग्स ऑफ राजेश एंड महेश, राजेश यहाँ पे है, महेश यहाँ पे है, इनकम की बात कर रहा है, 9:13, यानी ये 9 तो ये 13, ये इनकम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर अर्निंग्स इज 20,000। देखो ये जो है ये अर्निंग्स है, ये क्या है? अर्निंग्स है, और इनका जो डिफरेंस है वो दिया गया है तुम्हें 20,000, यहाँ पे दिया है ना। डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग्स इज 20,000, लेकिन यहाँ पे जो ये जो इनकम है या अर्निंग आप कुछ भी कह सकते हो, ये 9 और 13 है, तो इनका भी जो रियल डिफरेंस क्या आ रहा है? 13 माइनस 9 इज 4, कितना आ रहा है? 4। तो ये 4 आपको दिया गया है 20,000, दैट मीन्स 4 इज इक्विवेलेंट टू 20,000, ठीक है। तो अब पूछ रहा है 1 इज इक्विवेलेंट टू, तो क्या हो जाएगा? 20,000/4, दैट इज 5,000। तो एक का वैल्यू का बराबर कितना है? 5,000। अब पूछा है फाइंड द अर्निंग ऑफ राजेश, राजेश का अर्निंग कितना था फ्रेंड्स? 9। तो एक का अगर 5,000, तो 9 का कितना होगा? 45,000। बात खत्म, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, कॉस, ये क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं। कॉस 4π है दोस्तों, इसको कुछ और मत समझना। कॉस 4π/3 का वैल्यू क्या होगा? पहले तो ये निकालो कि कॉस 4 × π का मीनिंग क्या होता है? 180/3, तो 3 से जाएगा तो 60, तो कॉस 4 × 60 कितना हो गया फ्रेंड्स? 240। तो कॉस 240 का मीनिंग क्या होता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 180+60। कॉस 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180+60। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, एड शुगर टू कॉफ़ी, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर ऑल, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है। एस शुगर, दैट मीन्स यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। आप खुद सोचो कि कॉस 180+60, ये टोटल हुआ 90। अब आगे बढ़ा तो 180, हम 180 से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ पहुँच रहे हैं? 60, मतलब हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। 180 से पार करके यहाँ पे कहीं पहुँच रहे हैं। आप खुद सोचो क्या कॉस का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कॉस नेगेटिव होता है। तो जो भी आंसर आएगा कॉस नेगेटिव में आएगा। कितना कॉस? 60 बचाना, रिमाइंडर,
कॉस 60 इज हाउ मच, 1/2। बात खत्म। बात समझ में आई फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिखाया जाए। यस, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। रेट ऑफ SI फॉर इनिशियल 5 ईयर्स इज 10%, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स इट इज 15%, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल इफ आफ्टर 8 ईयर्स टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच, 1520। मतलब वो 5 साल के लिए जो SI प्लस नेक्स्ट 3 साल के लिए जो SI मिलके, ये टोटल SI कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 1520। ये टोटल SI कितना हो जाता है? 1520। आप कुछ सोचो कि SI का फॉर्मूला क्या होता है? PTR/100। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PTR/100। तो यहाँ पे कुछ सोचो कि ये जो पहला साल, ये आप बता सकती है, जो पहला टर्म है यहाँ पे, पी तो हमें पता नहीं है। हमें पी पता है क्या? हमें तो पता नहीं है। इंटू टी इंटू आर, यहाँ पे 5 साल। इसको इरेज कर लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको इरेज कर लेते हैं जी। 5 साल, अब पी हो गया ना, अब टी इंटू आर करो ना आप, 5 × 10, 5 × 10 दैट इज 50% प्लस। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया ये इसके लिए। अब नेक्स्ट 3 साल के लिए देखो। अब फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स 15%, मतलब SI कितना होगा? PTR मीन्स पी इंटू टी कितना है? 3 × r कितना है? 15%। अब ये मिलके कितना हो रहा था? 1520। ये मिलके कितना हो रहा था? 1520। तो इसको कुछ नहीं था और सॉल्व करना था बस, ये मिलके 1520 हो रहा था, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो? 50% पी और ये निकल गया, देखते हैं, 50% पी प्लस ये हो गया 45% पी गिव्स 1520। तो ये हो जाएगा 95% पी गिव्स 1520, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें यार, जगह ही कम है जी। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? 95% पी 1520, तो इसको काम करते हैं। पी कितना हो जाएगा? 1520 बाय 95%, ठीक है दोस्तों। तो 1520 बाय 95% यानी बाय 100 होता, 100 ऊपर चला जाएगा, × 100। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर निकलेगा 5 4 5 1 जा 5 4 जा, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 1 जा 45। अच्छा ये 19 में जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 5 3 जा 0 4, ठीक है। तब ये हो जाएगा 1 जा 6 जा, तो ये हो जाएगा 1600 दोस्तों। ये सॉल्व करने का काम आपका है, 1600 निकल के आएगा दोस्तों। इसको और एक बार बता देता हूँ, मतलब बात यही था दोस्तों। आप कन्वेंशनल वे में जाते, आप ऐसे करते, SI1 + SI2 गिव्स 1520। यार ये बहुत टाइम लगेगा, मन में करो आप। SI1 क्या होता है? P × T1 × R1/100। फिर क्या करते हैं SI2 के लिए? P × T2 × R2/100 इज इक्वल टू 1520। हमने P1 P2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक ही प्रिंसिपल पे बनेगा मेरे दोस्त, एक ही प्रिंसिपल पे बनेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कॉमन जाता, तो T1 × R1/100 करते, फिर T2 × R2/100 करते, इज इक्वल टू 1520 यहाँ पे लिखते। अब देखो दोस्तों, तो P डालो वैल्यू T1 और R1 का, 5 और 10%, 5 और 10% बाय 100। अब फिर क्या करते? T2 का डालो, 3 और 15%, 3 और 15 बाय 100 इज इक्वल टू 1520। यार इतने सॉल्व करते करते बुढ़े हो जाओगे, ये खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ए सेलर सेल्स एन आइटम फॉर 6000, मतलब SP कितना है दोस्तों? 6000, 6000, ठीक है। अब देखो, इक्विवेलेंट नहीं है, माफ करना, ये 6000 ही टोटल दिया है हमें, दैट मीन्स SP इज इक्वल टू 6000, ठीक है। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20%। अब डिस्काउंट 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5। अब देखो, डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/5। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं मार्क प्राइस है और ये क्या है? डिस्काउंट है। अब मुझे बताओ, 5 रुपये का था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो SP कितना बना? 4 रुपया। बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, 1/5। तो ये 5 हो गया, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो नीचे जो है वो मार्क प्राइस है, और आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 5 रुपये का था, 1 रुपये छूट दे दी, तो आपको सेलिंग प्राइस मिला 4 रुपया।
लेकिन ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर दिया हुआ है, 6,000 रुपये के बराबर। थोड़ा रुक जाओ, इसकी इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज कुछ अलग करते हैं, तूफानी करते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो चार किसके बराबर है, ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट 6,000 के बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको इरेज कर लेते हैं, ये कोई काम का नहीं है अभी। अब देखो, फाइंड द सीपी इफ द सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ स्टिल 60%। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 60% है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/5। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट की जाती है, सीपी पे। तो डेफिनेटली ये सीपी है तो ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, 5 रुपये का था, 3 रुपये का लाभ उठाया, तो एसपी कितना हुआ, 8 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो वो पूछ रहा है फाइंड द सीपी। देखो ये चार का वैल्यू 60,000 था, तो 8 का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ। चार का वैल्यू होगा 6,000 रुपया था, तो 8 का वैल्यू क्या होगा बताओ। चार का वैल्यू 6,000, तो 8 का वैल्यू इसका डबल, इसका डबल करो आप, 12,000। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये तो एसपी की वैल्यू निकली, लेकिन हमें निकालना किसका था। अब देखो यहाँ पे एसपी 4 यूनिट बराबर 6,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1,500। 1 यूनिट बराबर 1,500, क्योंकि 1 जा 1,500। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर 1,500, पूछा क्या है हमें सीपी। सीपी हमारे कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 1,500 के बराबर, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 5 × 1,500, बात खत्म, 7,500। 7,500, द आंसर इज 7,500। लेट अस मूव बिहाइंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, देखते हैं चलो। राइट एंगल एट क्यू, दैट मीन्स देर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू है तो ये पी है तो ये आर है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब कॉसेक आर इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, कॉसेक आर इज इक्वल टू 17/15। मुझे बताओ अगर कॉसेक आर 17/15 है तो साइन आर क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू 15/17, क्योंकि कॉसेक और साइन में दुश्मनी का रिलेशन होता है, ये सीधा तो ये उल्टा। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू 15/17, साइन आर दैट मीन्स आर, एंगल आर की बात कर रहा है वो, साइन आर 15/17। लेकिन ये किसके बराबर होता है, पी बाय एच। तो पी कितना हो गया, 15 यूनिट। पी कैसे निकालते हैं, एंगल के ठीक सामने वाला क्या हो जाता है, पी, 15 यूनिट। अब एच किसके बराबर हो गया, 17। एच किस मतलब कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट, 17 हो गया। अब 15 17, तो ये कितना होगा, ये कैसे निकालोगे आप, 289 माइनस 225। मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तब जाके ना ये निकलेगा, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम डाल के। तो ये 4 से गया, ये 6 से गया, तो ये 8 होगा। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये 8 होगा। अब देखो कैसे बढ़ते हैं आगे, कुछ अलग करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। देखो बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे मैंने 8 निकाला, यार यहाँ पे पाइथागोरस डालोगे, सिंपल सा डालोगे, निकालोगे आंसर, बात खत्म। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी का मीनिंग क्या है, ये पी यही है ना, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब बोलो मुझे साइन पी, साइन पी यानी साइन पी का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, एंगल का ठीक ऑपोजिट कितना है, 8, बाय हाइपोटेनस कितना है, 90 का ऑपोजिट, 17, बात खत्म, आंसर इज 8/17, आंसर इज 8/17। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो शायद नहीं बचा है क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक सब्सक्राइब, यार ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा आप सभी के लिए। तो बी हैप्पी, खुश रहो, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अगर एग्ज़ाम्स हैं तो ऑल द बेस्ट, और मैथमेटिक्स काफ़ी ईजी आ रहे हैं तो आप 25 से 25 बना के आओ, मेरा पूरा आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि पक्का आप करके आओगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, जय हिंद।